हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का जो ये पहला टॉपिक है वो है मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स, मतलब कि जो एंगल होते हैं उनकी मेज़रमेंट कैसे करते हैं। तो उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है ट्रिगोन, और जिसका मतलब होता है ट्राइंगल, और दूसरा है मेट्रोन, जिसका मतलब होता है मेज़रमेंट। कुल मिला के इसका जो मतलब होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री का मेजरिंग ट्राइंगल्स, मतलब साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरिंग ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स को नापना। तो जो ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो एक ब्रांच है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है ये? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है विच डील्स विद द मेजरमेंट। ये क्या करती है? डील करती है मेजरमेंट से ऑफ साइड्स, साइड की, एंड द एंगल्स, एंगल्स की ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के एंगल्स की और साइड की मेजरमेंट करती है। एंड द प्रॉब्लम्स, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं अलाइड विद एंगल्स, एंगल्स के साथ जो जो प्रॉब्लम आती है उनकी स्टडी करते हैं। आगे है एंगल्स। एंगल क्या होते हैं? तो मान लो, कंसीडर कर लो कि एक रे है जो ओ ए है, जो डायग्राम में है। तो इफ़ द रे रोटेट, अगर हम इस रे को रोटेट करते हैं अबाउट इनिशियल, जहाँ वो है उस स्टार्टिंग पॉइंट से जो कि ओ है, एंड टेक द पोजिशन, वो पोजिशन ले लेती है ओ ए से ओ बी, देन वी से हम कहते हैं कि दैट जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, जो इसमें दिखाया गया है एंगल ए ओ बी हैज़ बीन जनरेटेड, यानी वो एक बना दिया गया है। तो जो रिवॉल्विंग रे होती है, रे को बोलते हैं हम जनरेटिंग लाइन। अब क्या है, जो ओ ए हमने बनाया था वो ओ ए जो है इनिशियल साइड है, और ओ बी जो है वो टर्मिनल साइड है, मतलब जो शुरुआती साइड है वो तो ओ ए है, और जो टर्मिनल एंड वाली जो साइड है वो है ओ बी ऑफ द एंगल, इस एंगल की। तो जो इनिशियल पॉइंट होता है, द इनिशियल पॉइंट ओ जो है ऑन द टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड की तरफ, अबाउट विच द रे रोटेट, जिस तरफ जो रो है वो रोटेट कर रही है उसी का हम बोलते हैं वर्टेक्स, मतलब उस पॉइंट को, यानी जो ओ है उस एंगल का वर्टेक्स बोलते हैं। आगे है मेज़र ऑफ एंगल, यानी एंगल को नापना। तो इट इज़ द अमाउंट, ये एक अमाउंट है ऑफ रोटेशन, यानी रोटेट होने का, परफॉर्म्ड टू गेट द टर्मिनल साइड, मतलब टर्मिनल साइड को पाने का जो मेज़रमेंट है एंगल का, मतलब ये एक अमाउंट होता है। अगला टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है वो है सेंस ऑफ एन एंगल। एंगल जो होता है उसका सेंस क्या होता है? तो जो सेंस होता है, द सेंस ऑफ एन एंगल, एंगल का जो सेंस होता है इज़ अ डिटरमाइंड, उसको डिटरमाइन किया जाता है बाय द डायरेक्शन, डायरेक्शन के द्वारा ऑफ रोटेशन, मतलब रोटेशन की डायरेक्शन के द्वारा ऑफ द इनिशियल साइड, जो कि इनिशियल साइड से इनटू द टर्मिनल साइड, जो टर्मिनल इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ रोटेट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस सेंस को क्या बोलते हैं, द सेंस ऑफ द एंगल। आगे है द सेंस ऑफ एन एंग, जो सेंस ऑफ एंगल जो है इज सेड टू बी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव कहा जाएगा या फिर नेगेटिव कहा जाएगा, अकॉर्डिंग टू एज द इनिशियल, मतलब जो इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल जो साइड है रोटेट करती है इन, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब जिस तरफ क्लॉक चलती है, तो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी या उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज चलेगी डायरेक्शन में, टू गेट टू द टर्मिनल, यानी टर्मिनल साइड पर जाने के लिए। तो दिखाया हुआ है जो पॉजिटिव एंगल होता है, देखो पॉजिटिव क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और जो नेगेटिव होता है वो क्लॉकवाइज चल रहा है। आगे है राइट एंगल। इफ़ द रिवॉल्विंग रे, जो रे रिवॉल्व कर रही है वो स्टार्ट करती है फ्रॉम इट्स इनिशियल, यानी इनिशियल पोजिशन से, टू द फाइनल, यानी फाइनल पोजिशन में। तो ये डिस्क्राइब करता है एक क्वार्टर को, यानी क्वार्टर को डिस्क्राइब करता है इन अ ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक क्वार्टर को क्या करता है, डिस्क्राइब करते हैं। तो देन वी से हम कह सकते हैं जो मेज़र है उस एंगल का वो होगा राइट एंगल, जो बनेगा फॉर्म वो जो होगा वो राइट एंगल कहलाएगा। आगे हमें पढ़ना है सम यूजफुल टर्म्स, जो इसमें कुछ यूजफुल टर्म्स है। जैसे पहला है, ये है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? तो मान लो एक एक्स डैश एक्स जो है, ओ एक्स जो है वो आपने लिया, और वाई ओ वाई डैस, ये मान लिया हमने दो लाइन है,
और एट राइट एंगल, राइट एंगल पे इन द प्लेन, प्लेन पे ठीक है, ऑफ द पेपर, पेपर के ऊपर, तो दीज लाइन, जो लाइन है वो डिवाइड करती है प्लेन को उस पेपर पर फॉर इक्वल पार्ट, जो कि दोनों इक्वल पार्ट में बांटती हैं, तो वो क्या है, वो क्वाड्रेंट्स हैं। आगे है द लाइन एक्स ओ एक्स जो है या वाई ओ डैश जो है, इनको कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले को एक्स एक्सिस दूसरे को वाई एक्सिस। तो दीज टू लाइन, ये दो लाइन है टेकन टुगेदर, इनको एक साथ रखा जाए, आर नोन एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं जो रीज़न है एक्स ओ वाई या फिर एक्स वाई ओ डैश का, ये चार रीज़न है, तो ये क्या है, इनको बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट रेस्पेक्टली, जो दिखाया गया है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आगे है एंगल ऑफ, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, जो एंगल है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है या नहीं है। तो एन एंगल इज सेड टू बी, मतलब एक एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में जब कहा जाएगा, इफ़ यदि इट्स वर्टेक्स, इसका जो वर्टेक्स है वो कंसीड करे विद द ओरिजिन, यानी ओरिजिन पर हो वो, उसका जो वर्टेक्स है, एंड द इनिशियल, जो इनिशियल साइड हो वो ओ एक्स पर, यानी एक्स एक्सिस पर हो, दैट इज़ द पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स की, यानी एक्स की पोजिशन पॉजिटिव डायरेक्शन पे हो। आगे है एंगल इन अ क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट होता है उसमें एंगल क्या होता है। तो एन एंगल इन अ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड पोजिशन में एंगल होता है, इज सेड टू बी इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में होगा, इफ़ द टर्मिनल, अगर टर्मिनल साइड है ऑफ द एंगल, एंगल इज स्टैंडर्ड पोजिशन में अगर है, तो लाई इन दैट क्वाड्रेंट, तो वो उस क्वाड्रेंट में लाई करती है, पड़ी होती है। आगे है क्वाड्रेंट एंगल, तो क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है, तो एक एंगल, एन एंगल इन स्टैंडर्ड, जो कि स्टैंडर्ड पोजिशन में है, इज सेड टू बी अ क्वाड्रेंट, उसको क्वाड्रेंट कहा जाएगा एंगल, इफ़, यानी यदि जो टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड जो है वो कंसीड, जो कंक्लूड करती है, कंसाइड करती है विद द एक्सिस, एक्सिस के साथ कंक्लूड करती है टर्मिनल लाइन। आगे है ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस, ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो इफ़ यदि फॉर्म फ्रॉम एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है जो कि पी है, पी पॉइंट पर ऑन द टर्मिनल, जो कि टर्मिनल साइड है ऑफ द एंगल, एंगल की इन अ स्टैंडर्ड, मान लो इन स्टैंडर्ड पोजिशन पे है, तो एक जो परपेंडिकुलर है पीएम जो है उस पर पड़ा हुआ, इज ड्रोन ऑन, अगर एक्स एक्सिस पे हम डालें, देन द राइट एंगल, जो राइट एंगल होगा ट्राइंगल वो ओ एम पी होगा, जो कि डायग्राम में दिखा रखा है ओ एम पी। तो दस इस प्रकार जो फॉर्म्ड है हुआ है उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस ऑफ द एक्स ओ पी, एक्स ओ पी मतलब वो एंगल दे रखा है उस एंगल पर। आगे बोल रहे हैं कि को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं, तो जिनका टर्मिनल सेम होता है, तो दो एंगल विद डिफरेंट, दो एंगल है जिनका मेजर्स डिफरेंट है लेकिन सेम इनिशियल साइड है, एंड द सेम टर्मिनल, साइड भी सेम है और टर्मिनल या फिर सेम है, उनको हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। तो ये चीज़ आज का कंप्लीट हुआ, अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।